वोट आपने अभी तक नहीं किया तो वोट करें और मुझे बताएं कि कौन सा एरिया है, और वोट डालने की आदत डालें, चाहे वो वोट इलेक्शन का हो या फिर यूट्यूब का हो। वोटिंग करें, बताएं कि कौन सा एरिया है, कराची का लालू खेत है, याकतबाद है, डाखाना है, या ये हुसैनाबाद है, करीमाबाद है, अजीज़ाबाद है, कौन सा एरिया है मुझे बताइए कि कौन सी जगह है। आप लोगों के वोट आ रहे हैं और आप यकीनन देख रहे हैं, तो मुझे बताएं ये कौन सी जगह है, पहचानिए और मुझे बताइए। गहमा गहमी आप देख सकते हैं, रमज़ान का आज 12वां रोज़ा है और गहमा गहमी आपके सामने है कि किस तरह गहमा गहमी है और लोग जो है निकले हुए हैं सामान लेने, चीज़ें करने, और एक अलग ही दुनिया होती है जब आप मार्केट में वीडियो बनाते हैं, मार्केट की वीडियो बनाते हैं, देखते हैं लोगों को कि लोग जो है अपनी रोज़ी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कैसे तकदों में लगे हुए हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं। और यकीन इसके हलाल कमाना जो है सुन्नत रसूल भी है और हमारे में रब्बी भी है, तो अल्लाह ताला हम सबको इसके हलाल दे। बाकी मैंने पोल क्रिएट किया हुआ है, मुझे बताइए कि एरिया कौन सा है, ये गौर से देखें सामने ये एरिया कौन सा है, कौन सी जगह है, बड़ी मशहूर जगह है। दो वोट आए हैं, दोनों वोट जो है एक ही जगह के आ रहे हैं, करीमाबाद के। क्या ये याकतबाद नहीं है, डाकखाना तो नहीं है, कहीं ये रणछोड़ लाइन तो नहीं है? क्या पता है दोनों पोल के जवाब जो है वो गलत हो, क्या पता ये याकतबाद हो, क्या पता ये आयशा मंजिल हो, ये भी हो सकता है कि रणछोड़ लाइन हो, सदर हो, बंस रोड हो, गाड़ी खाता हो, लियारी हो, चील चौक हो, तो या फिर ये हो सकता है कि ये औरंगी टाउन हो, कोरंगी हो, तो बहुत सारे मीना बाज़ार। हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं कि मीना बाज़ार है देवा भाई है। तो देखते हैं लोगों के पोल, देखते हैं पोल में क्या आता है। देवा भाई पोल पे डालें कि ये लालू खेत या करीमाबाद है, कमेंट का तो यकीन आपने दिया, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाल के कमेंट किया। पोल पे ज़रा पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएंगे कहाँ का एरिया है, कि ये याकतबाद लगता है, क्या ये लगता है नाजमाबाद वाला एरिया, या फिर ये पापुश का एरिया है, या फिर नाजमाबाद है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, या लालू खेत है, करीमाबाद है, मीना बाज़ार है, फैसल बाज़ार है, आराम बाग है, बाज़ार फैसल है, तो कमेंट कीजिए, बताइए। तो थोड़ी देर बाद में जो है स्कूल का रिज़ल्ट शुरू करूँगा आपसे कि ये एक्चुअली एरिया कौन सा है। जब तक आप लाइव मनाजर देखें लोगों की गहमा गहमी, और वैसे यहाँ बहुत रश होता था मगर अब यहाँ जो मामला बन रहा है, अंडर पास जो बन रहा है, इस वजह से यहाँ रश नहीं हो पा रहा और जो गहमा गहमी वो हो नहीं पा रही। तो मैं पोल एंड करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि इसका सही जवाब क्या है, और मैंने पोल एंड किया है और 100% लोगों ने कहा है कि ये करीमाबाद है। और जी हाँ जनाब देवा साहब और बाकी जो वोट पढ़ने में, मैं बताना चाहूँगा ये करीमाबाद है, और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है करीमाबाद का मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार जो है, अगर आप कराची में जाना चाहते हैं मेहंदी लगवाने, आप जाना चाहते हैं पॉलर, और किसी को बोलेंगे टैक्सी वाले को, रिक्शे वाले को, मुझे मीना बाज़ार जाना है, और टक करके आपको करीमाबाद लेके आ जाएगा, क्योंकि करीमाबाद की जो पहचान है वो मीना बाज़ार है, करीमाबाद की जो पहचान है वो मेमन फाउंडेशन और काका भवानी है, करीमाबाद की जो पहचान है वो भी आगे प्रिंटिंग वाले, पेनाफ्लिक्स वाले हैं, मगर एक मीना बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो कि कराची में आपको सिर्फ और सिर्फ कराची की करीमाबाद पर मिलेगा, मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार के पीछे की तरफ अगर जाएंगे आप, तो यहाँ कन्फेक्शनरी और क्रॉकरी वाले, ग्रॉसरी वाले बैठे हुए हैं, मीट वाले बैठे हुए हैं जो कि होलसेल रेट पर दे रहे होते हैं। मीना बाज़ार के नीचे पूरे जो है सराफा मार्केट है, मीना बाज़ार के साथ जो है कपड़ों का बचकाना, जनाना मर्दाना कपड़े मौजूदगियाँ होते हैं,
साथ साथ जो है अगर मैं बताऊं तो यहाँ पेनाफ्लेक्स वाले, प्रिंटिंग वाले बैठे हुए हैं, स्टेशनरी वाले और स्पोर्ट्स वाले बैठे हुए हैं, और नीचे आप देख रहे हैं जो खुदाई हुई है, ये खुदाई जो हो रही है ये